हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्वाति और आ गई हूँ मैं आज एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली और देहरादून एक्सप्रेसवे से जुड़ी हुई कुछ खास बातें, जैसे कि एक्सप्रेसवे बनने के बाद दिल्ली और देहरादून का सफर कितनी देर में कर सकते हैं, और भी कई जरूरी जानकारी है जो इससे जुड़ी हुई है जो कि आज के इस वीडियो में मैंने शेयर की है। तो पूरी जानकारी के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। दोस्तों, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का काम लगातार चल रहा है। एक्सप्रेसवे बनने से दिल्ली और देहरादून की दूरी 6 घंटे से घटकर 2 से 2.5 घंटे के बीच सिमट जाएगी। इसे इकोनॉमिक एक्सप्रेसवे भी कहा जा रहा है। एक्सप्रेसवे के साथ ही टनल बन जाने से दिल्ली से सीधे टिहरी तक पहुंचना भी आसान हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 83,000 करोड़ बताई गई है और इसे 2024 के लास्ट तक पूरी करने की तैयारी है। एलिवेटेड हाईवे के लिए रास्ता बनाने के लिए 10,000 से ज्यादा पेड़ों को काटा जाएगा। कुछ दिनों पहले ही देहरादून का दौरा किया है पीएम मोदी जी ने, और इस दौरान 18,000 करोड़ की कॉस्ट वाले अलग अलग प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन भी किया है। कॉरिडोर बन जाने के बाद दिल्ली और देहरादून के सफर में काफी कम टाइम लगेगा। इसके साथ ही इस रोड पर एक 16 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस रोड के नीचे से जंगली जानवर बड़े आराम से चल फिर सकेंगे। देहरादून और मसूरी जाने वाले टूरिस्ट इस कॉरिडोर से पैनोरामिक व्यू भी देख सकेंगे। ये एलिवेटेड कॉरिडोर सहारनपुर के गणेशपुर मोहन को उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून से जोड़ेगा। ये नेशनल हाईवे 72A के 28 किलोमीटर के हिस्से के साथ चलेगा। ये इलाका हाथियों और जंगली जानवरों के लिए जाना जाता है, जबकि मौजूदा 2-लेन हाईवे का यूज जानवरों की आवाजाही के लिए किया जाएगा। एलिवेटेड कॉरिडोर से ट्रेवल में जितना टाइम लगता है, अब उस टाइम में कमी आने की उम्मीद है। जंगल के एक तरफ राजा जी टाइगर रिजर्व है। 2 लेन वाला NS-72A उत्तराखंड के एंट्री गेट देहरादून तक जाता है। इस पर लोगों को फिलहाल भारी ट्रैफिक और जाम का सामना करना पड़ सकता है। 40 मिनट का सफर पीक ट्रैफिक के दौरान 1 या 2 घंटे तक होता है। नेशनल हाईवे ऑफिसर्स के हिसाब से पहाड़ी इलाकों में कुल 120 हॉरिजॉन्टल कर्व है, जो कि गाड़ियों की स्पीड को 25 से 30 किलोमीटर पर आवर तक कम कर देते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये है कि कितने सेशन में पूरा होगा प्रोजेक्ट। तो दोस्तों, 2 सेशन में पूरा होगा ये प्रोजेक्ट। ऑफिशियल नोट के हिसाब से एलिवेटेड हाईवे फॉरेस्ट एरिया से गुजरने वाले देश की पहली ऐसी सड़क होगी। 16 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर से 2 सेशन में बनाया जाएगा। पहला सेशन मोहंत और दाता काली मंदिर के बीच 12 किलोमीटर की दूरी पर होगा। दूसरा सेशन दाता काली मंदिर से आगे आशरोडी तक 4 किलोमीटर का एक्सपेंशन होगा। जंगली जानवरों को देखने के लिए भी मिल सकता है एलिवेटेड हाईवे। हाईवे नदी के साथ राजा जी टाइगर रिजर्व के बगल में चलेगा। आने जाने के लिए एलिवेटेड हाईवे का इस्तेमाल किया जाएगा। इस दौरान लोगों को जंगली जानवर देखने का भी मौका मिल सकता है। देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर दिल्ली और देहरादून के बीच ड्राइविंग टाइम को घटाकर 150 मिनट कर देगा। कॉरिडोर के एरिया में टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। टूरिस्टों के लिए समय मायने रखता है और ये प्रोजेक्ट निश्चित रूप से पहाड़ियों में टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर साबित होगी, और इसे 2024 के लास्ट तक पूरा करने की तैयारी है। एलिवेटेड हाईवे के लिए रास्ता बनाने के लिए 10,000 से ज्यादा पेड़ों को काटा जाएगा। तो दोस्तों, ये तो थी देहरादून एक्सप्रेसवे से जुड़ी हुई कुछ खास बातें जो आज के वीडियो में शेयर की है। वीडियो पसंद आए तो कर सकते हैं लाइक और शेयर, और अगर चैनल पर नए हैं तो कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।